गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने जब शक्तिपात किया था तो उस समय मुझे विशेष तो कुछ नहीं मतलब, लेकिन जैसे ही आपने हाथ रखा था तो गरम गरम अंदर जाता हुआ महसूस हुआ सिर के अंदर। मेरा हाथ गरम गरम महसूस हो रहा था? नहीं, आपका हाथ नहीं मतलब सिर में नीचे, ऐसा लगा कि इधर पूरा क्षेत्र में नीचे मतलब जो चीजें मतलब कुछ पूरे नाड़ियों में उतर रहा है गरम 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 सा। हाँ मतलब अच्छा जो शक्ति होती है वो गरम गरम ही महसूस होती है और आपको नाड़ियों में अनुभूति हो रही है, अथवा आपका कहना है कि गरम गरम सा नीचे उतरते हुए महसूस हो रहा है। हाँ चलो अच्छी बात है, आपको अनुभूति हो रही है। और गुरुदेव मुझे यहाँ इस स्थानों बैठते ही जैसे 2 मिनट होता है और पूरा मतलब जो है यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मतलब सुन्न क्षेत्र है, मतलब कंटिन्यूस है, मतलब जब से थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता हूँ तो अभी भी मतलब ऐसा है कि जैसे उड़ जाएगा क्षेत्र जो इतना उड़ जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये इतना क्षेत्र मतलब जो है पूरा सुन्न सा प्रेशर मतलब इस टाइप से रह रहा है, मतलब कंटिन्यूस इस तरह की अनुभूति। किसका? वायु का प्रेशर होता है क्या? प्रेशर से कैसे दबाव पड़ता है क्या? दबाव भी इतना नहीं मतलब जैसे कि नीचे से कुछ आ रहा है मतलब इतना ज्यादा मतलब इस तरह से हो रहा है मतलब जो है। अच्छा, अच्छा, कि यहाँ इतनी जगह है समझ गया, वो पता चल रहा है पूरा। वो वायु ही होती है ऊपर को होती है। आपको अभी कम हो रहा है, जब शुद्धता बढ़ेगी अभ्यास बढ़ेगा तो ये वायु का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। ध्यान के बाद भी अनुभूति होगी कि वायु का दबाव ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कितने दिनों से साधना कर रहे हैं आप? साधना तो गुरुदेव मैं जो कंटिन्यूस तो लगभग 1 और लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं करता था लेकिन बीच बीच में छूट जाती थी। ये छोड़ने का काम क्यों करते थे? अभी लगातार चल रहा है गुरुदेव। देखो ध्यान हमेशा निरंतर या लगातार करना ही होता है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं। वो बात दूसरी है कि शरीर बीमार पड़ जाए या अन्य कोई ऐसा अवरोध आ जाए कि समय नहीं मिला, लेकिन सामान्य अवस्था में सभी अभ्यासी को बराबर अभ्यास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मान लो किसी कारण से समय नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करो 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठें, ताकि शरीर के अंदर में जो क्रिया हो रही है, जैसा कि आपने बताया ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति जो करा रहा है प्राण वो अपना पूरा कार्य कर सके। ठीक है, चाहे 5 मिनट ही बैठो और उठ के चल लो, अपना कार्य करो। मान लो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे, उस समय की बात बताएं, नहीं तो आप पूरा कोशिश करें कि आप अपना समय निकाल पाएं। जी गुरुदेव जी, प्राणायाम करते हैं? प्राणायाम गुरुदेव मैं 8-10 दिन से मतलब 5-10 मिनट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तो मैं 15 मिनट सुबह 15 मिनट 20 मिनट शाम को रोज़ किया करता था। अभी कुछ व्यस्तता की वजह से नहीं कर पा रहा था। और गुरुदेव ये जो प्रेशर है, ये चाहे मैं ध्यान करूं या ना करूं, मतलब ये चाहे मैं घूम रहा हूं चाहे कुछ भी कर रहा हूं, ये कंटिन्यूस बना हुआ है। मतलब ये जो है प्रेशर, ये थोड़ा सा बहुत कम होता है, नहीं तो बना हुआ है इस तरह का। और जब ध्यान करता हूं उस समय मतलब जो है अग्रचक्र चक्र में ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं, जब यहां तो फिर वो ऑटोमेटिक ध्यान ऊपर चला जाता है, इस तरह का पूरा है गुरुदेव। भोजन आप स्वादिष्ट तो नहीं करते हैं? स्वादिष्ट भोजन तो नहीं करते हैं? मिर्च मसाला तला हुआ गुरुदेव, घर में खाना बनता है, पत्नी खाना बनाती है तो वो तो तेज मसाले डालती है, लेकिन मैं बहुत मना करता हूँ लेकिन वो हो जाता है। लेकिन अब जो है मैंने निश्चय किया है कि अब मैं वो भोजन ही छोड़ दूंगा और सिर्फ दलिया या दूध इस तरह से भोजन का मतलब वो भोजन ही नहीं खाऊंगा मैं, जो वो बन रहा है ये मैंने सोचा है अभी। और गुरुदेव एक है कि मेरा एक ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पूछना चाह रहा था कि मेरा सांस के संग गुरुदेव मंत्र जुड़ा हुआ है, मतलब हर समय सांस के संग मंत्र चलता है, तो जब मैं ध्यान करता हूँ तो वो उस समय भी मतलब चलता है, तो इसमें कोई मतलब समस्या तो नहीं है गुरुदेव? इसका मतलब है आप कोई और भी मार्ग पकड़े हुए हैं क्या?
नहीं गुरुदेव, जब मैं छोटा था तो उस समय जो है लगभग ऐसे कोई 14-15 साल का रहा होगा, तो उस समय मुझे गुरुजी थे, अभी तो वो शरीर में नहीं है मतलब यहाँ, तो वो मंत्र था, तो वो उसी समय से मतलब अभी अभी क्या है कि मैंने बहुत पहले एक स्वामी शिवानंद जी महाराज हरिद्वार वाले उनकी बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि आप मंत्र और ध्यान दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, तो उस समय से मैंने भी प्रैक्टिस डाली और वो मंत्र शांत के साथ जोड़ के और दोनों चीज़ें करता आ रहा हूँ, तो अभी भी मतलब वही होता है, और मैं भले ही उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दूं तब भी मंत्र जो है सांस के संग चलता रहता है, ये स्थिति है गुरुदेव। आप जैसा उचित समझे वैसा कर लें, लेकिन एक समय साधक का ऐसा आता है कि दोनों नहीं चल सकते हैं, मंत्र और ध्यान दोनों एक साथ नहीं, मन को एकाग्र करना पड़ता, मंत्र चलते समय यानी मन चंचल होगा, जब मंत्र चल रहा होगा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मन क्रिया कर रहा है, तभी तो ऐसी क्रिया हो रही है यानी सांस के साथ मन, और हमें मन को पूर्णतः एकाग्र करना है जी गुरुदेव। ठीक है, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से तो एक अवस्था एकाग्र, इसके बाद निरुद्ध अवस्था, तो हर एक साधक को एकाग्र अवस्था प्राप्त करनी है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे आगे चल के। दूसरी बात, जब तक सबीज समाधि सविकल्प समाधि रहेगी तब तक तो ये काम करेगा, लेकिन निर्विकल्प समाधि में यह काम नहीं करेगा, जिसका ब्रह्म रंध्र खुल जाता है तो निर्विकल्प समाधि लगती है, वहाँ मंत्र बंद हो जाएगा और आगे भी हो जाएगा। चलो मैं आपका दूसरा मार्ग है, आप जैसा उचित समझे करें, लेकिन मैं यही साधकों को समझाता हूँ कि शांत होकर मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, जब मंत्र होगा तो आप मन को स्वयं चंचल कर रहे हैं। मैं यानी आपके मार्ग को नहीं जानता हूँ आगे क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ मंत्र स्वयं अपने आप में एक योग है। ठीक है, पहले जपते हैं फिर नहीं जपते हैं, अजप होता रहता है, वो वही अवस्था प्राप्त करा देता है। ठीक है, हालांकि हमारा मार्ग मंत्र योग ना हो करके सहज ज्ञान योग है, तो श्वास के साथ चलेंगे तो फिर वो बाद में अजप होता रहेगा, समझ गए ना जी गुरुदेव, अपने आप सूक्ष्म रूप से होता रहेगा। चलो जैसा आपको अच्छा लगे करें, लेकिन जब हम अभ्यास सिखाते हैं तो मन को एकाग्र करना यानी मन को रोकना, इसीलिए कहते हैं त्राटक करो, त्राटक करते समय मन को एकाग्र करते हैं, किसी प्रकार के यानी किसी को याद नहीं करते हैं, ना मंत्र जाप करते हैं ना कुछ करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि मन को आज्ञा चक्रपुर या ब्रह्मरंध्र के ऊपर सिर के ऊपरी भाग पर मन को केंद्रित करो और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने इष्ट का अवलोकन करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपके गुरुदेव ने कहा हुआ है तो उसे अपना ही रही है जी गुरुदेव जी। और उसका क्या किया जाए गुरुदेव, ध्यान करते हैं अभी तो खैर ये तो शायद स्थिति बंद हो जाएगी, लेकिन जो ये आपने अपने गुरुदेव से नहीं पूछा कि हमें सिर के गुरुदेव, तो गुरुजी 20 साल पहले ही शरीर शांत हो चुका है उनका। अच्छा अच्छा, आप ये अशुद्धता के कारण ये चीज अनुभूति हो रही होगी, आप प्राणायाम अधिक मात्रा में करें, और जैसा कि आपका भोजन शुद्ध नहीं है पूर्णता शुद्ध भोजन खाएं जी। और गुरुदेव मुझे स्वप्न में सुबह अच्छे अच्छे मतलब वो अनुभूति इस तरह से होती है, लेकिन ध्यान के समय कुछ नहीं होता है, मतलब इस तरह की स्थिति आ रही है। कोई बात नहीं, किसी किसी साधक को स्वप्न में अनुभव होते हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ इस शिविर में आए हुए ही अनुभव अनुभूति की बात कर रहे हैं जी। प्रणाम गुरुदेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।